कुमार, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके साथ में मैं एक आपको सुविधाजनक बातें भी लेकर के आया हूँ कि जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा, जो भी सवाल मैं आज मैं बोर्ड पर कराऊंगा, वो सारे सवाल आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर आप डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। तो वो जो पीडीएफ है, सबसे पहले आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, फिर हम यहाँ पे नंबर वाइज सवाल करेंगे, फिर आप नंबर वाइज सवाल देखिएगा, ठीक है ना। तो आते हैं, पहले समझते हैं कि ये टाइम एंड वर्क होता क्या चीज है, फिर हम उसके बाद सवाल पर आएंगे, ठीक है ना। चल टाइम एंड वर्क जिसका मतलब होता है कार्य और समय। समय वो चीजें होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करने में, किसी काम को करने में जो वक्त लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। लेकिन काम क्या होता है, जैसे यदि मैं काम का एक एग्जांपल देना चाहूं तो सपोज करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन में कितने पेज आप बुक पढ़ सकते हो, तो आप बोलोगे कि 20 पेज हम बुक पढ़ते हैं, पर डे पढ़ते हैं, ठीक है ना। और सपोज करो आपने 6 दिनों तक बुक पढ़ा तो आप बताएंगे टोटल जो पेजेस आपने पढ़ा, एक दिन में आप 20 पेज बुक पढ़ते हो और 6 दिन तक आपने पढ़ा, तो आप बताओ कि कितने पेज आपने बुक पढ़ा होगा, तो आप बोलेंगे 120 पेजेस आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब ये बताओ, ये जो 120 पेज आपने बुक पढ़ा, ये अपने आप में एक क्या है, काम है, ये अपने आप में एक वर्क है। अब हम समझेंगे कि आप जो एक दिन में 20 पेज बुक पढ़ रहे थे, ये जो आपका पढ़ने का क्या शो करता है, इफिशियंसी शो करता है, ये आपका बुक पढ़ने का इफिशियंसी शो करता है। और ये जो आपने 120 पेज पढ़ने में जो आपने 6 दिन लगाया है, ये आपके द्वारा लिया गया क्या है, टाइम है। और ये 120 पेज जो आपने बुक पढ़ा, ये आपके द्वारा किया गया क्या है, काम है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क डन होता है, है ना। अब यदि आपसे बोला जाए कि एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, एफिशिएंसी बराबर, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन अपॉन में टाइम बोलोगे। यदि आपसे पूछेगा कि टाइम बराबर क्या होता है, तो आप क्या करोगे, वर्क डन अपॉन क्या लिखोगे, एफिशिएंसी लिखोगे, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी लिखोगे। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई हो। दूसरी बात, ये जो टाइम होता है, ये एफिशिएंसी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो इफिशियंसी होता है वो टाइम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज करो कि आपको 120 पेज बुक पढ़ना था और आप एक दिन में कितने पेज पढ़ रहे हो, एक दिन में 20 पेज पढ़ रहे हो, तो आपने कितना दिन लिया, 6 दिन लिया। सपोज करो एक दिन में आप 40 पेज बुक पढ़ना शुरू कर दो, तो बता जब आप 40 पेज बुक पढ़ोगे तो आप कितना दिन लोगे, टाइम 3 दिन लोगे 120 पेज को पढ़ने में। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका एफिशिएंसी को आपने क्या किया, इंक्रीज किया, टाइम अपने आप क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब एक एलिमेंट बढ़ा तो दूसरा एलिमेंट अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। तो एक एलिमेंट का इंक्रीज होना और दूसरे एलिमेंट का डिक्रीज होना, ये अपने आप में क्या शो करता है, ये अपने आप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो करता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध बनाता है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन शो करता है ना। इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, यदि आपका क्या है, टाइम, यदि आपका वर्क डन क्या है, कांस्टेंट है, यदि आपका वर्क डन कांस्टेंट है, तो ये जो एफिशिएंसी है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और ये जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपका क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, लेवल वाइज सवाल पढ़ेंगे कि पहला लेवल का सवाल कैसे बनता है,
दूसरा लेवल का सवाल कैसे बनता है, लेवल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लेवल का जो सवाल बनता है वहां से मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपने लिख लिया होगा। सबसे पहला टाइप का जो सवाल बनता है वो ये बोलता है कि यदि ए ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, मतलब ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, समाप्त करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो आपसे बोलेगा कि यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें, यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आप मुझे ये बताओ, इस ऐसे सवाल को जो हम बनाते हैं टाइम एंड वर्क में, जितने भी सवाल होता है उसको हम एलसीएम मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डेज है उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। जो एलसीएम आ गया उसको हम क्या मान लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। जो आपका एलसीएम है उसी को आप क्या मान लोगे, टोटल वर्क मान लोगे। अब आप मुझे ये बताओ, 30 पेज आपने बुक पढ़ा, जैसे अपन ने अभी काम को क्या लिया था, पेज में लिया था, 30 पेज बुक पढ़ने में ए व्यक्ति 10 दिन लगाता है, इसका मतलब एक दिन में कितना पेज बुक पढ़ता होगा, एक दिन में 3 पेज बुक पढ़ता होगा, और 30 पेज बुक पढ़ने में 15 दिन लगाता, मतलब एक दिन में कितना बुक पढ़ता होगा, 2 पेज बुक पढ़ता होगा। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेज बुक पढ़ता है, 5 पेज पढ़ता है, और आप बोल रहे हो कि 30 पेज दोनों को मिलकर के पढ़ना है, तो एक दिन में पढ़ता 5 पेज को, 30 पेज को पढ़ने में कितना समय लगाएगा, 6 दिन समय लगाएगा। कितना दिन समय लगाएगा, 6 दिन समय लगाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मिलकर यदि उस काम को करना चाहेगा तो कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा, 6 दिन में काम को समाप्त कर देगा। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, है ना। ये सबसे पहला टाइप का सवाल बनता है, हालांकि ये पेपर में आता नहीं, लेकिन ये जानना आपको जरूरी होता है, छोटे छोटे एग्जाम्स में कभी आ जाते हैं, और ये डायरेक्ट नहीं आता है, तो इस पर और इसी के लैंग्वेज को उलट करके क्या कर देता है, सवाल पूछता है। जैसे यदि आपको इसी में बोल देगा कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है, और ए अकेला उसी काम को 10 दिन में करता है, तो आपसे पूछ लेगा कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखो, ए और बी का टाइम दे दिया और ए का दे दिया, आपसे क्या पूछ लिया, बी का। तो ये लैंग्वेज को आपको चेंज कर करके इसको किसी भी तरीके से घुमा सकता है। ये पहला टाइप के सवाल को कम से कम 3 से 4 लैंग्वेज में घुमा करके पूछता है। अब देखो यहीं पे क्या हो जाएगा, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 3 बार में। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, और ए अकेला 3 काम करता है, तो 2 काम जो एक्स्ट्रा में कर रहा होगा वो कौन करता होगा, बी करता होगा। अब आप बोल रहे हो कि बी से हमें पूरा 30 काम करवाना है, और एक दिन में 2 काम करता है, तो पूरा काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 15 दिन में समाप्त करेगा। देखो, बी 15 दिन में समाप्त कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आते हैं सवाल पर कि पहला नंबर का सवाल क्या है, ठीक है।
पहला नंबर का सवाल, उम्मीद करता हूं कि आप लिंक पे जाकर के आपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया होगा। पहला नंबर सवाल है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। बोलता है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तो जब दोनों मिल करके उस काम को करेगा तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखेंगे, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के काम करें तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आप बताएं, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, 20 और 30 का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा 60। इसी को आप क्या मान लोगे, टोटल वर्क। 20 60 काम को करने में ए नाम के व्यक्ति को लगता है 20 दिन, इसका मतलब एक दिन में करता होगा 3 काम, और 60 काम को करने में बी नाम का व्यक्ति लगाता है 30 दिन, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता होगा। दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करता है और दोनों को मिला करके करना है 60 काम, तो 60 काम को करने में कितना दिन समय लगाएगा, 12 दिन समय लगाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये पहला टाइप का सवाल था और ये पहला टाइप के सवाल पर जो भी सवाल अभी हमने बताया आपको वो आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो, पहला टाइप का सवाल आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद का सवाल क्या बोलता है, ये आपका था पहला नंबर सवाल, है ना, ये आपका पहला नंबर सवाल था। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं दो नंबर सवाल। दो नंबर सवाल में बोला ए कैन डू, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। जो मैंने आपको एग्जांपल में करवाया था वही आपका क्या है, दो नंबर सवाल है। दो नंबर सवाल मैंने कहां पे बताया था, एग्जांपल में बताया था, क्लियर है ना। चलो आ जाओ तीन नंबर सवाल पे। बोला है एक काम को ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी इन 9 डेज, इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। बोलता है ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है, यह तीसरा नंबर आपका सवाल है, 6 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 18 हो जाएगा। ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में, टोटल वर्क आपका कितना आ गया, 18। यदि आपसे बोलेगा कि ए और बी दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टोटल 18 काम है और एक दिन में करता है 5 काम, तो 3 × 3 = 5 डेज में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, क्लियर है ना। ये आपका था तीसरा नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल हमने करवा दिया, दूसरा नंबर सवाल हमने एग्जाम्पल में बता दिया, और ये आपका रहा तीसरा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल आप लोग पढ़ेंगे। चौथा नंबर सवाल, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60।
12 15 कैल्शियम हो गया 60। और यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करना चाहे तो 12 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। और ये करेगा एक दिन में 4 काम, तो आपको 60 काम करना है, दोनों मिलकर के एक दिन में करता 9 काम, तो ये आपका हो जाएगा 6 × 4/9 54, ये 6 बच जाएगा, 6 × 6/9 ये 3 से जाएगा 2 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, 6 × 2/3 डेज में ये काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला टाइप पर जितना भी सवाल आ सकता है इस टाइप के सवाल को आप क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर लेंगे, है ना, इतनी बात पक्की है। पांचवा नंबर सवाल देखेंगे आप, ए एक काम, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, अच्छा ये तो बना लिया, ए एंड बी टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, इफ बी अलोन इन 20 डेज देन ए अलोन विल डू इट इन हाउ मेनी डे। बोला है कि यदि ए और बी किसी काम को, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में, बी अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला उस काम को 20 डेज में समाप्त करता है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल भी बताया था कि यदि इसी सवाल को आपका लैंग्वेज को चेंज करके आपसे दे सकता है कि ए और बी जो उस टाइम आपने फाइंड किया था इस टाइम आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप बताएंगे 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क। ये आपके जाएंगे 5 टाइम्स में, ये जाएंगे 3 टाइम्स में, तो आप बताएंगे कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के करता है 5 काम और बी अकेला करता है 3 काम, इसका मतलब ए अकेला कितना काम करता होगा? ए अकेला एक दिन में 2 काम करता होगा, तो आप बताइए इसको बोल रहे हो कि 60 काम करना है और एक दिन में करता है 2 काम, तो कितने दिन समय लेगा? ए अकेला उसी काम को करने में 30 दिन का समय लेगा। बता इतनी बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बातें आपके क्या है? सिक्स नंबर सवाल देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी अलोन, बी अकेला उस काम को 8 दिन में करता है, देन ए अलोन विल डू, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सेम सवाल है आपका, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। ए और बी, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है और उसके बाद बोला है बी अकेला उस काम को 8 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला उस काम को 8 डेज में समाप्त करता है, तो आपसे बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो आप बताएंगे 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? तो आप बोलेंगे 24 होता है, ये गया 4 टाइम्स में, ये गया 3 टाइम्स में, तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करता है 4 काम और बी अकेला करता है 3 काम, तो ये जो एक काम एक्स्ट्रा में हो रहा था वो किसने किया होगा? सिंपल सी बात है, ए ने किया होगा, इसका मतलब ए का जो एक दिन का एफिशिएंसी है वो कितना है? 1 है। ना समझ में आए तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर के करता है 4 काम और बी अकेला करता है 3 काम,
ए के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब ए अकेला कितना काम करता होगा, 4 माइनस 3 कितना काम करता होगा, एक काम, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है वो एक दिन का कितना है, एक काम करने का। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा 24 काम करना, एक दिन में एक काम करता है, तो ये कितने दिनों टाइम में समाप्त कर पाएगा, इसको लग जाएगा काम को समाप्त करने में लगभग 24 दिन का समय लगेगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो यहां तक देखेंगे कि क्या आपका 6 नंबर सवाल तक सारा चीजें क्लियर है। सेम सवाल आपका है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए अलोन डू इट 18 डेज। तो आपसे पूछ रहा है कि बी अलोन इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। ए और बी आपका करता है 12 दिन में और ए अकेला करता है 18 दिन में समाप्त। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करता है 12 दिन में काम को समाप्त और ए अकेला करता है 18 दिन में समाप्त। तो बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आप बताएंगे 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, तो आप बोलेंगे 36। ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में। ए और बी दोनों मिलकर करता है 3 काम, जिसमें ए करता है 2 काम और दोनों मिलकर करता है 3 काम। तो आप बताएंगे बी के हिस्सा में कितना काम जाएगा, तो बी के हिस्से में जाएगा मेरे भाई 1 काम जाएगा। तो आप बताएंगे पूरे का पूरे 36 काम को करना है और एक दिन में करता है 1 काम, तो कितना दिन समय लेगा, 36 दिन का समय लेगा काम को समाप्त करने। अभी तक मैंने आपको ये कितना नंबर सवाल था, ये आपका 7 नंबर सवाल था। अभी तक मैंने आपको 2 टाइप का सवाल करवाया है, क्या ये दोनों टाइप का सवाल आपका क्लियर है या नहीं है। सबसे पहले आप मुझे ये उम्मीद कीजिए कि ये दोनों टाइप का जो सवाल है ये आपका क्या है, क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद अगले टाइप के सवाल में। ये 2 टाइप का सवाल मैंने आपको क्लियर कर दिया। तीसरा टाइप का सवाल देखें, 8वां नंबर सवाल। बोला है कि अंकित कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। अंकित किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आपको बोला 2/3 भाग, मतलब किसी काम, कोई काम नहीं पता, तो वो काम क्या मान लिया हमने, वर्क मान लिया, डब्ल्यू मान लिया। किसी काम का 2/3 भाग को करने में कितना समय लगाता है, 10 दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है। तो आप मुझे बताओ पूरे पूरी एक काम को करने में कितना समय लगाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये जो डिवाइड है इधर लाकर के मल्टीप्लाई कर दो और ये जो मल्टीप्लाई है इधर लाकर डिवाइड कर दो, तो 2 से जाएगा 5 बार में कितना आ जाएगा, 5 3 15 डेज आ जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात ये भी सोच सकते हैं कि 2/3 का मतलब ये होता है कि 3 काम टोटल करना था, जिसमें 2 काम को करने में कितना समय लगाया है, 2 काम को करने में 10 दिन लगाया है। तो आप बताइए 1 काम को करने में कितना समय लगाएगा, तो 5 दिन लगाएगा, तो 3 काम को करने में कितना समय लगाएगा, 15 दिन लगाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, मतलब पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा, 15 दिन का समय लगाएगा।
बताओ, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपका क्लियर होगा। नाइन नंबर सवाल देखो, ए कैन डू 3/7 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 6 डेज, देन ही कंप्लीट होल वर्क इन हाउ मेनी डे। बोलता है ए किसी काम का 3/7 6 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम का 3/7 6 दिन में समाप्त करता है, मतलब टोटल काम आपके पास 7 है, जिसमें 3 काम को करने में 6 दिन लगा दिया, तो एक काम को करने में कितना समय लगाएगा? 2 दिन लगाएगा। तो 7 काम को करने में कितना समय लगाएगा? 14 डेज लगाएगा। मतलब पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा? 14 दिन लगाएगा। टोटल काम 7 था, जिसमें उसमें से 3 काम को करने में 6 दिन लगाया। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, किसी काम था जिसका 3/7 काम को करने में 6 दिन लगाया, तो पूरे पूरी एक काम को करने में ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका डिवाइड, 3 से गया 2 बार में 2 से 1 जा 14 डेज लगाएगा। बताओ बात समझ में आई है नहीं? इतनी बात क्लियर है आपकी? ये आपका तीसरा नंबर का पहला टाइप का सवाल है, तीसरे टाइप का ये पहला लेवल का सवाल है। इसमें और भी लेवल चेंज होगा, लैंग्वेज को और चेंज करेगा। बताओ, उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, और जैसा कि मैंने पीडीएफ वाला जो सिस्टम किया उससे आपको काफी सहूलियत हो रहा होगा, क्योंकि आपके पास पीडीएफ पहुंच गया, तो इस यहां पे सिर्फ आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत है ना। आएंगे 10 नंबर सवाल पढ़ेंगे आप, देखेंगे 10 नंबर सवाल में क्या है। 9 नंबर तक हो गया, ये आपका 9th नंबर सवाल था। 10th सवाल में क्या बोला है कि ए कैन डू 1/4 पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब ए किसी काम का 1/4 को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 20 डेज, बी उसी काम का 1/3 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपसे बोला है ए एंड बी टुगेदर कैन डू वर्क इन हाउ मेनी डे। बोल रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है ना। देखो इसी इसी टाइप का सवाल है ये 10th नंबर सवाल। बोल रहा है कि ए किसी काम का, ए नाम का व्यक्ति है, वो किसी काम का 1/4 को कितने दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम का 1/4 10 दिन में समाप्त करता है। तो आप बता, ए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेता होगा? 40 दिन लेता होगा। ए उस काम को पूरा करने में 40 दिन लेता होगा। बी उसी काम के 1/3 को करने में कितना समय लेता है? 20 डेज लेता है। ये आपका लेता है 20 डेज। तो आप बताइए बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? 60 दिन का समय लेगा। तो आपके पास अब ए अकेला और बी अकेला आ गया। ए किसी काम को करने में 40 दिन और बी उसी काम को करने में 60 दिन।
तो 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ये गया तीन बार में, ये गया दो बार। तो आपसे बोला है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल काम 120 है और दोनों मिलकर के एक दिन में करता है पांच काम, तो टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा, 24 दिनों में कर लेगा। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? शायद ये आपके ऑप्शन में सारे मैच हो रहे हैं, आपके पास ऑप्शन में भी है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो एक बार ऑप्शन में जरूर देखा करें कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्यारह नंबर सवाल पढ़ेंगे आप लोग। ए कैन कंप्लीटेड वन बाय थर्ड ऑफ द वर्क इन फाइव डेज, बी टू बाय थर्ड ऑफ सेम वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है कि ए किसी काम का एक तिहाई भाग, ए किसी काम का एक तिहाई भाग कितने दिनों में, पांच दिन में समाप्त करता है। तो ए उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, 15 दिन समय लगाएगा। बी उसी काम का 2/5 भाग को करने में कितना समय लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है। इसका मतलब दो काम को करने में 10 दिन लगा रहा है, तो एक काम को करने में 5 दिन लगाएगा, तो 5 काम को करने में 25 दिन लगाएगा। बी पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा, 25 दिन समय लगाएगा। इसका मतलब ए 15 दिन में और बी 25 दिन में। तो आप बताओ 15 और 25 का एलसीएम कितना, 75। मतलब टोटल काम कितना आ गया, 75 आ गया। तो ये जाएगा 5 टाइम्स में और ये जाएगा 3 टाइम्स में। इसका मतलब यदि आपको बोला है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 75 काम है और दोनों मिलकर के करता है एक दिन में 8 काम, तो ये 9 दिन पूरा हो जाएगा और 3 दिन बच जाएगा अपॉन में 8। इतने दिनों में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 9 × 3/8 दिनों में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 9 × 3/8 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में भी अवेलेबल है। बताओ यहां तक बातें क्लियर है? 11 नंबर, ये आपका सवाल नंबर कितना है, 11। 11 नंबर सवाल तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, ये मुझे बता दो आप। बारह नंबर सवाल आप लोग देखेंगे। देखो 12 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 4 डेज, बी कैन डू 1/6 पार्ट ऑफ ए सेम वर्क इन 5 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डे कैन दिस टास्क बी कंप्लीटेड। ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में समाप्त करता है। एक किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम का 1/6 पार्ट कितने दिनों में समाप्त करता है,
5 दिनों में समाप्त करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, तो बी उस काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लगाएगा और ए इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, 20 डेज लगाएगा। बताओ ये सवाल आपने कर रखा है या नहीं कर रखा। ये सबसे पहला टाइप का ही सवाल है, ए किसी काम को करने में 20 दिन लगा रहा है और बी उसी काम को करने में 30 दिन लगा रहा है, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना, 60। ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में, ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो आप बताओ कि यदि आपसे बोला है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, तो टोटल काम 60 है और दोनों मिल करके एक दिन में करता है 5 काम, तो आप बताएंगे कि कितना समय लेगा, दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, 12 दिन का समय लेगा। बताओ इतनी बातें क्लियर है। तीसरे टाइप पर भी अभी हम चल रहे हैं, तीसरा टाइप पर और भी सवाल है, उसे भी अपन करेंगे। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो हम लेवल वाइज पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, है ना। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे और टाइप को चेंज करते जाएंगे। जैसे अभी हम कितने टाइप पर पढ़ रहे हैं, 3 टाइप का सवाल हमने किया। इस 3 टाइप में भी बहुत सारे वेरिएशन है, परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा। अभी हम आगे ये भी सवाल करेंगे। मतलब टाइप वाइज करने से ये होता है कि हमें ये समझ में आता है कि ये जो सवाल है ना थोड़ा सा अलग है। अब जो अलग है, जो कॉन्सेप्ट अलग है, उस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, सीखना है कि ये अलग कैसे है, है ना। सवाल आप देखें 13 नंबर, ये जो 12 नंबर हमने सवाल किया, ये आपका एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा हुआ सवाल था। और कौन कौन सवाल आपका पूछा हुआ था, अच्छा अभी तक का ये जो सवाल था आपका क्या था, पूछा हुआ था ये एसएससी सीपीओ 2018 में पूछ रखा था। इसके बाद 13 नंबर जो सवाल है, ये भी आपका एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ए किसी काम का 1/5 पार्ट, ए कैन डू 1/5 ऑफ ए वर्क इन 2 डेज, बी कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ सेम वर्क इन 5 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डे कंप्लीट वर्क। बोल रहा है ए किसी काम का 1/5 भाग 2 दिनों में समाप्त करता है, ए किसी काम का 1/5 पार्ट वर्क 2 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी काम का 1/3 पार्ट 5 डेज में समाप्त करता है, 5 डेज में समाप्त करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। चल अब बता, ये पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये पूरे काम को कर देगा 10 दिन में समाप्त, और ये कर देगा पूरे काम को 15 दिन में समाप्त। तो ये भी आपने सवाल को पढ़ रखा है कि ए 10 दिन में और बी 15 दिन में यदि काम को समाप्त करें तो एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, टोटल वर्क आपका 30 आ जाएगा। तो ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में। तो ए और बी यदि इस काम को करना चाहेगा तो ये आपका हो जाएगा टोटल 30 काम है और एक दिन में करता है 5 काम दोनों मिल करके, तो ए और बी मिल करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 6 दिन में समाप्त कर देगा। ये पहला टाइप का सवाल है, लेकिन स्टार्टिंग में लैंग्वेज को चेंज करने की वजह से ये तीसरा टाइप में आ गया। लैंग्वेज को चेंज कर दिया, फिर जो ये कॉन्सेप्ट जो लागू हो रहा है वो पहला टाइप का कॉन्सेप्ट इसमें लागू हो रहा है। इसके बाद आप 14 नंबर सवाल पढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है।
14 नंबर सवाल पढ़ेंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन डू 45% ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। ए एंड बी टुगेदर, ए अलोन वर्क इन 30 डेज, हाउ मेनी डे विल बी अलोन टू डू सेम वर्क। बोला है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम का 45% वर्क, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम का 45% का मतलब होता है 45/100, 5 से जाएगा 9 टाइम्स में, 5 से जाएगा 20 टाइम्स में। इस काम को करने में कितना समय लेता है, 9 डेज लेता है, ठीक है ना। तो ए और बी पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, कितना दिन लेगा, 20 डेज लेगा। फिर बोला है कि ए अकेला उस काम को करने में कितना समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो आप बताएंगे 30 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ये आपका जाएगा 3 टाइम्स में, ये आपका जाएगा 2 टाइम्स में। तो आपसे ये बताओ, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 3 काम करता है और ए अकेला 2 काम करता है, तो आप मुझे बताओ बी के हिस्से में कितना काम गया, 1 काम, और पूरे पूरे 60 काम करना है, तो पूरे 60 काम को करने में कितना समय लगाएगा, 60 दिन का समय लगाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा, 60 दिन का समय लगाएगा। आपके ऑप्शन में भी 60 दिन दिया हुआ है। ये भी सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ है। ये जो सवाल आपने 14 नंबर अभी आपने करा है, ये जो सवाल है आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो यही सारे सवाल आते हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं आता, सिर्फ लैंग्वेज को क्या कर देता है, लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड कर देता है, घुमा देता है, और सवाल सब सेम रहता है। पंद्रह नंबर सवाल आप पढ़ने हैं। बोला है ए कैन कंप्लीट 40% ऑफ ए वर्क इन 6 डेज, व्हाइल बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 7 इंटीयर 1/2 डे इफ दे वर्क टुगेदर। बोल रहा है यदि किसी काम को ए 40% को करने में 6 दिन लगाता है और बी उसी काम को करने में 7.5 दिन लगाता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये जो सवाल है ये आपका एमटीएस 2020 में पूछा हुआ है। ए 40% का मतलब होता है 40/100, मतलब 2/5 काम को करने में 6 दिन लगाता है, तो पूरे एक काम को करने में कितना दिन लगाएगा, ये आपका 3/5 50 डेज लगा देगा। और बोल रहा है कि बी उसी काम को करने में, बी उसी काम को करने में 7/1/3 डेज, मतलब 15/2 डेज लगाता है। तो यदि आपका फ्रैक्शन किसमें हो, यदि आपका डेज फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपको पता है यदि किसी का फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो नोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 15 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, है ना, और 1 और 2 का एलसीएफ 1 हो जाएगा, तो 1 रहने दे रहे। तो ये आपका चला जाएगा 15 टाइम्स में, और ये आपका जाएगा 15, और ये ऊपर जाएगा 2, ये जाएगा 15 बार में, और ये जाएगा आपका कितने बार में, 30 बार में चला जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है।
या फिर 15 15 का एलसीएम आप क्या कर लेंगे, 15 ही लेंगे। 15 15 का एलसीएम आप कितना ले लोगे, 15 लोगे। तो ये जाएगा एक बार में और ये चला जाएगा दो बार में, तो दोनों मिलकर के 15 काम करता और एक दिन में 3 काम करता, तो कितने दिन में काम कर जाएगा, दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 5 दिनों में समाप्त कर देगा। बताओ, ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। आप वहां पर 225 भी लेते तो क्या होता, आंसर सेम आता, क्योंकि 30 और 15 45 हो जाता, और 45 225 से कितने बार में कट जाता, 45 से 5 बार में कट जाता। चलो 16 नंबर सवाल आप पढ़ेंगे एक बार, फिर हम बनाते हैं। 16 नंबर सवाल देखेंगे, 16 नंबर सवाल भी आपका पूछा हुआ सवाल है। सोलह नंबर सवाल में बोला है ए कैन ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है। बी अलोन कंप्लीट 33 इन ईयर 1/3% वर्क ऑफ सेम वर्क 15 डेज। बी 33 सही 1/3% काम का मतलब होता है 1/3 वर्क कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो ये पूरे काम को करने में बी कितना समय लगा देगा, 45 डेज लगा देगा, है ना। ये आपका पूरे काम को करने में लगा देगा कितना, 45 दिन। और ए और बी करता है 25 दिन में। तो आपसे बोल रहा है ए अकेला उस पूरे काम का 4/15 भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा, 4/15। चलो आप बताएंगे ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 और 125 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बताओ। 45 ये आपका हो जाएगा कितना, 225 हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कितना आ जाएगा, 225, 225। ये आपका चला जाएगा कितना, 9 टाइम्स में, और ये आपका चला जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में करता है 9 काम, बी अकेला करता है 5 काम। तो ए के हिस्से में कितना काम चला गया, ए के हिस्से में चला गया 4 काम, और बोल रहा पूरे काम का 4/15 भाग। तो 15 से जाएगा 15 बाद में 15 चौक 60, मतलब 60 काम को करने में कितना समय लगाएगा, 15 दिन लगाएगा। ए अकेला 60 काम को करने में कितना समय लगाएगा, 15 दिन समय लगाएगा। बताओ, उम्मीद करता हूं कि 6 नंबर 16 नंबर तक का जितना भी सवाल है ये आपका क्या होगा, क्लियर होगा। 16 नंबर सवाल भी कहीं ना कहीं पूछा हुआ, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ, बताओ। 16 नंबर सवाल तक का उम्मीद करता हूं कि आपका क्लियर होगा, है ना। 16 नंबर सवाल तक का क्लियर होगा। तो इसके बाद भी देखते हैं कि आपके पीडीएफ में और भी सवाल है। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल भी आप पढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल देखेंगे। ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। तो बोल रहा है ए बी सी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन। अब इसमें कौन आ गया,
अभी तक हम ए और बी पढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद सवाल में कौन एंट्री ले लिया, सी ने भी एंट्री ले लिया। इसका मतलब अब जो भी सवाल आएगा उसमें तीन एलिमेंट रहेगा, तीन मेंबर रहेगा। अब देखेंगे, ये आपका 17 नंबर सवाल। ए करता है 12 दिन में समाप्त, बी करता है आपका 15 डेज में समाप्त, और सी करता है आपका 20 डेज में समाप्त। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ गया आपका 60। ये जाएगा 5 टाइम्स में, ये चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, और ये चला जाएगा आपका 3 टाइम्स में। बताओ इतनी बात क्लियर है? अब यदि आप करोगे कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर के काम करना चाहे, पूरा काम है 60 काम, और तीनों मिलकर के काम करता है कितना एक दिन में 12 काम, तो बताओ 60 काम को करने में कितना समय लगाएगा, 5 डेज लगाएगा। मतलब तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 5 दिन में समाप्त कर देगा। देखो दोस्तों, आज के सेशन में हमने 17 सवाल पढ़ा है, जिसमें मैक्सिमम सवाल क्या था, प्रीवियस ईयर का सवाल था, और इस सेशन में चार अपन ने तीन टाइप का सवाल पढ़ा है ना। तो अगले सेशन को जो लेकर के आऊंगा उसमें हम आगे का सवाल भी करेंगे और अगला टाइप का सवाल करेंगे। ये सेशन में अपन इतना ही तक रखते हैं। बाय, टेक केयर, शुक्रिया।